नेक्स्ट आ गया सेलेक्टिव रिपीट। सेलेक्टिव रिपीट जो है वो नेक्स्ट कैटेगरी है स्लाइडिंग विंडो की। इसमें याद रखना कि जो सेंडर की विंडो है वो होती है 2^m-1 और रिसीवर की भी 2^m-1। तो देखो दोनों की विंडो क्या है, सेम। आप कह सकते हो अगर m इज इक्वल टू 3 तो यानी 2^3 8 सीक्वेंस नंबर हो गए, मतलब 0 से 7 आपके सीक्वेंस नंबर हो गए, तो सेंडर की विंडो साइज क्या होगी, हाफ ऑफ दैट 2^m-1 और उतनी ही रिसीवर की क्या होगी विंडो। वहां पे 2^m-1 नीचे था, यहां ये m-1 ऊपर ही है। गेटिंग द पॉइंट, ये याद रखना। अब ये देखो अगर मेरे पास यहाँ पे m की वैल्यू 2 है तो टोटल सीक्वेंस नंबर कितने हो गए, 2^4, यानी रेंज क्या होगी 0 से 3। तो ये देखो 0 1 2 3 0 1 2 3, हमने सीक्वेंस नंबर नॉर्मली लिखने हैं, 0 1 2 3 0 1 2 3, आगे भी लिखते जाओगे इसी तरीके से रिपीट करते रहोगे। लेकिन ये मत समझ लेना कि सर सेंटर विंडो भी तो इतनी है, नहीं, सेंटर की विंडो कितनी है जो ग्रे में दिख रही है, कितनी होगी 2^m-1। m की वैल्यू कितनी है 2, तो 2^2-1 मतलब 2^1 दैट इज 2। तो देखो 0 और 1 दिख रहा है ग्रे में, क्यों दिख रहा है, क्योंकि सेंडर की विंडो साइज 0 और 1 मतलब 2 है, रिसीवर की भी कितनी है 2 है मतलब 0 और 1, वो एक बार में क्या भेजेगा 0 और 1 भेजेगा, वो 0 और 1 क्या कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। तो यहां पे भी याद रखना कि विंडो साइज शुड बी इक्वल टू 2^m-1, वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा बड़ा हुआ मतलब 2^m-1 से बड़ा हुआ तो वही प्रॉब्लम होगी जो हमने गो बैक एंड में किया था, कि अगर पैकेट जो है फ्रेम लॉस हो गई, इसने 0-1 भेजा, उसने 0-1 एक्सेप्ट कर लिए लेकिन लॉस हो गई, जो एक्नॉलेजमेंट थी वो लॉस हो गई, उसने बेचारे ने दोबारा से 0 भेज दिया। लेकिन ये कहां पे है, इसकी विंडो 2 और 3 पे है, वो कह रहा मुझे 2 वाला चाहिए 3 वाला चाहिए, तो 0 क्यों भेज रहा है, इससे वो समझ जाएगा कि यानी एक्नॉलेजमेंट लॉस होगी, तो एक्नॉलेजमेंट दोबारा से भेजेगा। इस वाले में देखो 0 भेजा 1 भेजा 2 भेजा, क्यों इतने भेजे, हम ले रहे हैं कि विंडो का साइज 2^m-1 से बड़ा है, तो 2 की बजाय हमने विंडो का साइज 3 ले लिया, तो हमने एक बार में 3 पैकेट भेज दिए, इसने 3 एक्सेप्ट कर लिए। अब इसकी विंडो कहां पे, इसकी विंडो मूव कर गई नेक्स्ट वाले पे, ये देखो इसको क्या चाहिए 3 0 1 चाहिए, इसको क्या चाहिए, आई थिंक सबको विजिबल हो रहा होगा, इसको क्या चाहिए 3 0 1 चाहिए, क्योंकि 0 1 2 तो एक्सेप्ट हो गए लेकिन एक्नॉलेजमेंट रास्ते में लॉस होगी। ये देखो एक्नॉलेजमेंट रास्ते में लॉस होगी, इस बेचारे ने दोबारा से फिर 0 भेज दिया, जैसे इसने 0 भेजा ये तो एक्सेप्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको जो फ्रेम है 0 वाला चाहिए, उस विंडो में 0 वाला है, और 1 वाला भी एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन ये तो एक्सेप्ट होने ही नहीं चाहिए, ये तो वो 0 1 है जो पहले एक्सेप्ट हो चुके हैं, तो डुप्लीकेट पैकेट दोबारा से एक्सेप्ट हो जाएंगे, इसीलिए विंडो का साइज ग्रेटर देन 2^m-1 नहीं होगा, बराबर होगा दैट इज इक्वल टू 2^m-1। ये पॉइंट जो है याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, और स्पेशली इस एग्जाम में इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेंगे। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट एक्सेप्ट होंगे। देखो यहां पे जैसे ही पैकेट नंबर 0 1 2 भेजा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबसे पहले 0 ही चाहिए फिर 1 होगा फिर 2 होगा, नहीं, इस विंडो में क्या है, इस विंडो में 0 1 2 है, वो विंडो खोल के खड़ा है, 0 1 2 में से कोई भी आ जाए, 0 1 2 में से कोई भी आ जाए। अब 0 वाला लेट से थोड़ा लेट हो गया, 1 वाला पहले आ गया, तो वो रिजेक्ट नहीं करेगा, वो कहेगा आ जा। लेकिन गो बैक एंड में क्या था, गो बैक एंड में रिसीवर की विंडो में सिर्फ एक ही पैकेट आ सकता है, वो था 0 वाला। अब जैसे ही 1 वाला आया, नहीं 2 वाला आया, नहीं, उसको 0 वाला ही चाहिए। लेकिन यहां पे विंडो का साइज क्या, 0 1 2, ज्यादा बड़ी है विंडो, तो विंडो में वो एक्सपेक्ट कर रहा है 0 1 2 में से कोई भी आ गया ना, वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये जो है आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट एक्सेप्ट करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना। एक और छोटा सा फंडा यहाँ पे, दैट इज नैक, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का फंडा क्या है, ये देखो ये कहानी जो लिखी हुई है ना, ये नेक्स्ट डायग्राम में एक्सप्लेन की हुई है, ये सारी की सारी कहानी नेक्स्ट डायग्राम में है, तो मैं आपको डायग्राम वैसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ वर्बली, आपको ये इससे भी वैसे तो समझ आ जाएगा। ये देखो 0 1 2 3 मेरी विंडो साइज कितनी है, ये देखो m की वैल्यू हमने ले ली 3 2^3 8 टोटल क्या होगी सीक्वेंस नंबर 0 से 7। ये आपको अगर एग्जाम में दिया ना तो आपको देंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीक्वेंस नंबर, 3 लेनी है 2 लेनी है। तो ये देखो 0 से 7 हमने सीक्वेंस नंबर ले लिए, 0 से 7 इधर भी लिख लिए, विंडो साइज क्या होगी 2^m-1, ऊपर है -1 यानी 2^3-1 2^2 दैट इज 4। तो देखो विंडो का साइज आपको दिख रहा है यहां पे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ये देखो आई थिंक आप सबको दिख रहा होगा विंडो का साइज, देखो 0 1 2 3, गेटिंग द पॉइंट, हाफ है। गो बैक एंड में होता है ये 6 तक, क्योंकि 0 से लेके 6 तक m-1 वाला साइज होता है। अब यहां पे देखो विंडो का साइज 4 और रिसीवर की विंडो का साइज भी क्या है 4, दोनों बराबर है। अब देखो
फ्रेम नंबर जीरो भेजा, एक्सेप्ट हो गया, इसने नेक्स्ट वाला जो है वो विंडो मूव कर गई। अब इसको 1 2 3 4 चाहिए। अब इसने क्या भेजा, अब यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट जो है वो 1 भेज दी। एक्नॉलेजमेंट 1 भेज दी मतलब 1 वाला एक्सेप्ट हो गया, 0 वाला एक्सेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट भेजो 1 2 3 4 में से। अब इसने क्या भेजा, 1 फ्रेम नंबर 1 भेजा, वो बेचारा क्या हो गया, लॉस हो गया। फ्रेम नंबर 1 अगर लॉस हो गया, बट इसने क्या किया उसके बाद फ्रेम नंबर 2, क्योंकि विंडो में जितने भी है ना वो एक बार में जा सकते हैं, तो विंडो में मेरे पास 2 था, 3 था, 4 था, तो 2 3 हमने भेज दिए। 2 3 जैसे भेजे ये एक्सेप्ट कर लेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक्सेप्ट कर लेगा। ये देखो आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये 2 भी एक्सेप्ट, 2 तो अभी आया नहीं, सॉरी 1 नहीं आया, 1 लॉस हो गया, 2 इसने एक्सेप्ट कर लिया, 3 भी एक्सेप्ट कर लिया। देखो 2 और 3 दोनों जो एक्सेप्ट हो गए, क्यों, क्योंकि हमें यहां पे 2 और 3 एक्सेप्ट इसलिए हुए क्योंकि इसका विंडो का साइज जो है वो क्या है, वो बड़ा है। वहां पे रिसीवर में विंडो का साइज 1 था गो बैक एंड में, यहाँ पे विंडो का साइज बड़ा है तो इसीलिए वो अलाउ कर देगा, वो कहेगा ठीक है आ गए। लेकिन अभी भी वो 1 को एक्सपेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1 को भूल जाएगा। उसके बाद 0 2 3 आ गए, 4 भी आ जाएगा बाद में, लेकिन उसको अभी भी 1 चाहिए, क्योंकि ये पैकेट ऊपर 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 वाली लेयर को तभी भेजेंगे जब पूरा का पूरा पैकेट बनेगा। ऐसा थोड़ी ना कि फाइल 90% आई तो मैंने सिस्टम में किसी को भेजी, नहीं, फाइल जब भी आएगी 100% आएगी तभी वो ओपन होगी, अदरवाइज वो ओपन ही नहीं होगी। तो वही काम यहाँ पे है, ये फ्रेम जो नहीं आया ना बीच में, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे 1 की भेज देगा। क्यों भेज रहा है ये नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट 1 की, ये इसका मतलब क्या है कि भैया मेरे पास 2 3 सारे आ गए, 1 नहीं आया, एन ए के में क्या डाल रखा है, 1। अब यहाँ पे इस 1 का मतलब क्या है कि मुझे 1 वाला चाहिए, तो देखो इसने 1 जो है वो भेज दिया। अब इसका मतलब क्या है, अगर ये एन ए के 1 ना भेजता, अगर ये एक्नॉलेजमेंट क्या भेज देता, लेट्स से एक्नॉलेजमेंट भेज देता 4, जस्ट सपोज कि एक्नॉलेजमेंट 4 भेज देता, तो होता क्या, सेंडर समझ जाता कि 0 1 2 3 एक्सेप्ट हो गए, इसको 4 वाला चाहिए, वो 4 वाला भेज देता, तो बेचारा बीच में जो 1 नहीं आया वो तो रह ही जाता। तो उसकी वजह से इसने क्या किया, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट 1 भेज दी, इससे वो सेंडर समझ जाएगा कि 1 वाला नहीं आया, इसने देखो 1 सेंड कर दिया, 1 रिसीव हो गया, विंडो नेक्स्ट 4 पे मूव कर गई। यहां भी देखो विंडो नेक्स्ट 4 पे, अब ये 4 5 6 7 भेजेगा, वो 4 5 6 7 एक्सेप्ट हो जाएंगे, बस इस तरीके से काम चलता रहे।